अगाध गीता विज्ञाना अम्बोधि पारगमक्षमं गोविंद स्मरणं पोतम इवालंबे मनोरमम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि जो सप्त दिवसीय विचार संसद का प्रारंभ हमने 9 अगस्त को किया था, आज उसका चतुर्थ दिन है और ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी है और पंडित मधुसूदन ओझा जी का भी जन्म महोत्सव आज ही है। इसी उपलक्ष्य में इस पूरी व्याख्यानमाला का हमने रूप तैयार किया था। पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के जोधपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर सरोज जी के द्वारा इसे जिस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को बनाया गया, उस कार्यक्रम का आज जो महत्वपूर्ण व्याख्यान रखा गया वो ओझा प्रकोष्ठ के प्रथम निदेशक प्रोफेसर गणेशीलाल सुथार जी का रखा गया है। आप राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान हैं, आपने 19 ग्रंथों का प्रणयन किया है, उनमें से 11 ग्रंथ मधुसूदन ओझा जी के साहित्य का ही है और उन्हीं 11 ग्रंथों में आपने 2 ग्रंथों का सानुवाद प्रकाशन किया है। तो आपकी सारस्वत साधना बहुत दीर्घकालीन रही है और ओझा जी के प्रति आपने जितने श्रद्धावान होकर के ये कार्य किया है आप इसके एकमात्र अधिकारी हैं कि आपको ओझा जी के का वरद आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता देवर्षि कलानाथ जी महाराज कर रहे हैं। देवर्षि कलानाथ जी इंद्र विजय के ऊपर और अनेकों ओझा जी के साहित्य के ऊपर अपना प्रोवाक भूमिका इत्यादि लेखन कर चुके हैं और आपके पिताश्री भी ओझा जी के साक्षात शिष्यों में से रहे हैं। आज जो व्याख्यान का विषय है प्रोफेसर सुथार जी द्वारा, वो व्याख्यान का विषय है ब्रह्म विज्ञान विषयक मौलिक अवदान। ओझा जी का जो ब्रह्म विज्ञान है उसका क्या अविदान है, ये आपका आज विषय है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका वक्तव्य दें और हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। नमोदय तो यस्य मिथिला देशे शरीरोदय श्री विश्वेश दयोदया च समभूत काश्याम सुविद्योदय राज्ञा प्रीतुदया तभुज्जयपुरे संपत्ति भाग्योदया सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्यं प्रणामोदया प्रणम्य सद्गुरु शांतः स्वामी सुरजनः सदा यत्कृपालवलेशेन सत्तर्कस्फुरणं मम। इस प्रथम प्रणामांजलि में गुरु शब्द से परम गुरु अर्थ अभिप्रेत है क्योंकि पंडित मधुसूदन जी ओझा मेरे परम गुरु थे। यह परम प्रसन्नता का विषय है कि जयपुर के विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा वेद विज्ञान के आविष्कर्ता महामोपदेशक विद्यावाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा जी की 154वीं जन्म जयंती के अवसर पर पंडित मधुसूदन ओझा के ब्रह्म विज्ञान विषयक मौलिक अवदान के विषय में विचार प्रस्तुति के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। अतः मैं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के संरक्षक पूज्य विश्व गुरु श्री महेश्वरानंद जी महाराज, संचालक महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी तथा इस कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत विद्वान श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे ये ज्ञात कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी की सत्प्रेरणा से
श्री सुरेंद्र कुमार जी वेद विज्ञान विषय अप्रकाशित ग्रंथों की विलुप्त पांडुलिपियों के अन्वेषण प्रकाशन तथा वेद विज्ञान विषय व्याख्यानों के आयोजन के लिए अनन्य निष्ठा तथा उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार थे, उसी प्रकार समीक्षा चक्रवर्ती वेद वैज्ञानिक पंडित ओझा जी भी निश्चय ही भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार थे। यह उनके द्वारा वैदिक वाङ्मय के चतुर्दा विभक्त विषयों पर रचित 108 संस्कृत ग्रंथों से प्रमाणित है और आगम विद्या से संबंधित उनके 120 ग्रंथों से सर्वथा समर्थित है। भगवान की दिव्य ज्ञान शक्ति को प्राप्त किए बिना केवल शास्त्राभ्यास और अनुशीलन से ऐसा प्रातिव अंतर्दृष्टि इंट्यूटिव इंसाइट से संपन्न दिव्य वैदुष्य सर्वथा असंभव था। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान का यह वचन प्रथित है, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छतुं मम तेजोंश संभवम्। ब्रह्म बल विभूति है, क्षत बल ऊर्क ऊर्जा एनर्जी है और विट बल श्री है। पंडित ओझा जी ब्रह्म बल रूप विभूति के उत्कर्ष अतिशायन एक्सेलेंस के कारण तेजोंश से संभूत हुए। उनके ज्येष्ठ शिष्य महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने इस श्लोक का वेद विज्ञानानुसारी आशय स्पष्ट करते हुए कहा है, विभूत मद इत्यादा अतिशायने मतु द्रष्टव्यः विभूत्यादि नाम सर्व प्राणी व्याप्तत्वेपि अतिशय विभूत्यादिमान ईश्वर विभूतिर्वा ईश्वरावतारो वा मंतव्य इति तात्पर्यम्। पंडित ओझा जी अतिशयित विभूतिमान थे। आश्चर्य है कि आचार्य शंकर ने इस श्लोक का केवल शब्दार्थ किया है। स्वयं पंडित ओझा जी ने ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ के प्रारंभ में नवीन ग्रंथ आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए वेद रहस्य ज्ञान के लिए दैवी सिद्धि को भी एक अनुबंध अर्थात पूर्वापेक्षित प्री रिक्विजिट माना है। आलोटिता यही श्रमतो न वैदिका ग्रंथान यैरत्र समाहितं मनः सिद्धिश्च दैव्यस्य नयेषु ते हठादर्रन्ति नोक्षेपयितुं कुतर्कतः। पंडित ओझा जी से पहले किसी वेद भाष्यकार पाश्चात्य वेदज्ञ तथा पाश्चात्य पद्धति के अनुयायी भारतीय वेद विपश्चित ने ऐसे निगूढ़ और विशाल वेद विज्ञान को उद्भावित नहीं किया। हाँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेद संहिता का चतुर्धा सुव्यवस्थित विभाग किया और पुराण संहिता में वेद सम्मत सृष्टि विज्ञान का विशद निरूपण किया है और महाभारत के भगवत गीतोपदेश में त्रिपुरुषवाद का संकेत किया है, परंतु वेद भाष्यकारों तथा आधुनिक वेदज्ञों ने पुराणों का अनुशीलन सर्वथा उपेक्षित कर दिया है। पंडित ओझा जी ने ब्राह्मण ग्रंथों तथा पुराणों का गहन अनुशीलन कर प्रातिव अंतर्दृष्टि से वैदिक ब्रह्म विज्ञान का प्रतिपादन किया है। उनका कोई पूर्व विचारित स्वमत प्री कंसीव्ड ओपिनियन नहीं था। पंडित ओझा जी के शिष्य स्वामी श्री श्री सुरजनदास जी ने पुराण रहस्य नाम पुस्तिका के प्राकथन में पुराण शास्त्र को वेदार्थ का उपाय मानते हुए स्पष्ट कहा है कि 18 पुराणों में से आदि के 6 पुराणों में आदि दैविक सृष्टि का तथा इससे आगे के 4 पुराणों में आध्यात्मिक आत्मचतुष्टय मूल शारीरिक सृष्टि का प्रतिपादन है। तदनंतर लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण तथा मत्स्य पुराण, इन 6 पुराणों में सृष्टि विषय अवांतर मतों का अर्थात सृष्टि के अवांतर कारणों का प्रतिपादन है। इस प्रकार सृष्टि का निरूपण करने के बाद गरुड़ पुराण में प्रतिसृष्टि का निरूपण किया गया है तथा अंतिम ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि और प्रतिसृष्टि के आयतन का प्रतिपादन है। पंडित ओझा जी ने वैदिक वाङ्मय के चतुर्धा विभक्त विषयों में इतिहास पुराण को भी समुचित स्थान दिया है और उन्होंने ही इदम प्रथमतया इतिहास पुराण से वेद का समुपबृंहण कर इतिहास पुराणाभ्याम
वेदम समुपृंखये इस उक्ति को सर्वथा सार्थक सिद्ध किया है। पंडित ओझा जी के ज्येष्ठ शिष्य पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने पुराण विद्या नामक संस्कृत ग्रंथ में सर्वथा उचित कहा है, इतिहास पुराणानि आधारीकृत्य प्रवर्तयिष्यतु गुरुवर श्री मधुसूदन विद्यावाचस्पति महाभागैः आविष्कृतं विलुप्तप्रायं वेदार्थ विज्ञानं न पुराणाद्याश्रय मंत्रेण वेदेषु सिद्ध्यति गतिरिति। भगवान कृष्ण के युगानुरूप तीन प्रयोजन थे, सज्जनों का परित्राण, दुष्कर्मियों का विनाश और धर्म संस्थापना। उन्हीं के तेजोंश से संभूत पंडित ओझा जी के भगवत प्रेरणा से युगानुरूप तीन प्रयोजन थे जिनको मैंने इस प्रकार पद्यबद्ध किया है। परित्राणाय वेदस्य विनाशाय च दुर्विदः संरचनाय ग्रंथानां संभवामि कलो युगे। अर्थात वेद का परित्राण, वेद विषय दुर्विद अर्थात मिथ्या ज्ञान का विनाश और वेद विज्ञान विषय ग्रंथों की संरचना। यह ध्यातव्य है कि स्वयं पंडित ओझा जी ने ग्रंथ रचना में उनकी प्रवृत्ति को ईश्वराधिष्ट बतलाया है। ईश्वरो भगवानेश मार्गम दर्शितवान यथा तद वाक्ये नैव तं मार्गम स्पष्टम दर्शयाम्यहम्। यह उल्लेखनीय है कि पंडित ओझा जी ने वेद धर्म व्याख्यानम पृष्ठ 231 में संविद को विज्ञान अर्थात वेद विज्ञान का पर्याय कहा है, अतः संविद के विलोम के रूप में दुर्विद शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही है। समीक्षा चक्रवर्ती ओझा जी के ब्रह्म विज्ञान विषय मौलिक अवदान की चर्चा से पहले यह अपेक्षित है कि प्रबुद्ध श्रोताओं तथा पाठकों के लिए ब्रह्म विज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया जाए। ब्रह्म विज्ञान केवल ब्रह्म विषय विज्ञान ही नहीं है, वैदिक वाङ्मय के प्रथम विषय विभाग का प्रतिपाद्य ब्रह्म विज्ञान है जिसका स्वरूप अति व्यापक है। इस विषय विभाग के अंतर्गत दिव्य विभूति उक्त वैराजिक आर्य हृदय सर्वस्व निगम बोध शिक्षा विज्ञान प्रवेशिका विज्ञान मधुसूदन तथा साइंस प्रदीप ये सात महाग्रंथ हैं। अतः इन सात महाग्रंथों में प्रतिपादित विषय की सामान्य संज्ञा ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत पूर्व पक्ष भूत 10 सृष्टि कारणतावाद भी हैं और सृष्टि कारणता का सिद्धांतवाद प्रोपोनेंट्स कॉस्मोगोनिक डॉक्ट्रिन भी। प्राधान्य व्यपदेशा भवन्ति इस न्याय से पंडित ओझा जी द्वारा प्रतिपादित सृष्टि कारणता संबंधी वैदिक सिद्धांतवाद ही प्रधान दया ब्रह्म विज्ञान है। पंडित ओझा जी द्वारा सृष्टि कारणता के प्रतिपादन की ये रचित सिद्धांतवाद ग्रंथों में ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट है। यह ग्रंथ द बेस्ट स्पेसिमैन ऑफ सुपर ह्यूमन स्कॉलरशिप कहा जा सकता है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में यत्र प्रदर्श्या विषया पुरातना यत्र प्रकारो भी नव प्रदर्शने यत्र प्रमाणम श्रुतया संयुक्तया तद्ब्रह्म विज्ञानमिदं विमृशताम्। इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म सिद्धांतवाद ही उनको मुख्य रूप से ब्रह्म विज्ञान के रूप में अभिप्रेत था। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि दसवाद ग्रंथों में प्रतिपादित पूर्व पक्ष भूत सृष्टि कारणतावादों कॉस्मोगोनिक डॉक्ट्रिन्स का ब्रह्म विज्ञान के स्वरूप में समन्वय कैसे हो। इसका समाधान यह है कि हमारी शास्त्रीय शैली की यह प्रातिस्विकता है कि शास्त्रीय ग्रंथों में पूर्व पक्ष की प्रस्तुति और उसके खंडन के द्वारा ही सिद्धांत पक्ष की स्थापना की जाती है। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मविद दार्शनिक राजा जनक द्वारा आयोजित ब्रह्मोद्य ब्रह्म परिषद में खंडन मंडनात्मक जल्प कथा रेंगलिंग का आश्रय लेकर तत्व निर्णय किया जाता है। मैं यह समझता हूं कि परमेश्वरी ब्रह्मा प्रजापति द्वारा पूर्व पक्ष निषेध पूर्वक चेतन ब्रह्मवाद की स्थापना से यह प्रतीत होता है कि पूर्व पक्ष खंडन पूर्वक सिद्धांतवाद की स्थापना की हमारी शास्त्रीय शैली का उद्गम नासदी सूक्त में प्राप्त होता है। दर्शन शास्त्रीय ग्रंथों में पूर्व पक्ष तर्क के सोपपत्तिक खंडन के प्रारंभ में तन्ना दैट इज नॉट द ओपोनेंट्स व्यू इज नॉट राइट कहकर न शब्द से निषेध कर दिया जाता है, तत्पश्चात वे उपपत्ति प्रस्तुत करते हैं।
नास्ती सूक्त में संकेतित दसवाद न अथवा नो अथवा किम शब्द द्वारा निषिद्ध है। पूर्व पक्षोपन न्यास पूर्वक खंडन सिद्धांतवाद का अंग हो जाता है। अतः ब्रह्म सिद्धांतवाद रूप ब्रह्म विज्ञान में पूर्व पक्ष भूत सृष्टि कारणतावाद भी समन्वित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि चेतन ब्रह्म का अधिष्ठातृत्व मानने पर भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति के लिए पूर्व पक्षवादों में प्रतिपादित तत्वों का भी समन्वय हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि दिव्य विभूति नामक महाग्रंथ में प्रतिपादित विज्ञानेति वृत्तवाद का ब्रह्म विज्ञान में समन्वय कैसे होता है। पंडित ओझा जी के शिष्य पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी तथा पंडित नवल किशोर कांकर ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि दिव्य विभूति ब्रह्म विज्ञान का भूमिका संदर्भ अर्थात बैकग्राउंड है। दशवाद रहस्यम नामक ग्रंथ का भी दिव्य विभूति महाग्रंथ में समावेश पूर्व पक्ष भूत दश विज्ञानी तथा सिद्धांत विज्ञान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए भूमिका के रूप में है। यह उल्लेखनीय है कि तीन कांडों वाले संशय तदुच्छेदवाद नामक ग्रंथ का संशयाधिकार नामक द्वितीय कांड पूर्णतया संशयवाद ही है। इस कांड में दो पर्व हैं, संशयोपनिषद और मिथ्योपनिषद। तृतीय कांड संशयोच्छेदाधिकार है। पंडित ओझा जी को यह उचित प्रतीत हुआ होगा कि अंतिम वाद संशयवाद के साथ विभिन्न संशय कारणों के उच्छेद का निरूपण करना भी उपयुक्त होगा, इसलिए संशयवाद उसके उच्छेदवाद से सहकृत है। संशयोच्छेदवाद सिद्धांतवाद के निरूपण की दृष्टि से पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिपुरुषवाद और षोडशी पुरुष के संप्रत्यय का निरूपण नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दशवाद रहस्यम की प्रतिज्ञा में संदेहवाद का नामोल्लेख कर संशयवाद का संक्षेप में पृथक निरूपण किया गया। संशयवाद के संक्षिप्त निरूपण के पश्चात निर्णायक सिद्धांतवाद का भी संक्षिप्त निरूपण है। यह कहा जा सकता है कि पंडित ओझा जी द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्म समन्वय आदि ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांतवाद रूपी तत्वाध्यवसाय की संरक्षा के लिए संशयोच्छेदवाद खेत में बीज प्ररोह के संरक्षण के लिए किए गए कंटक शाखावरणवत अर्थात प्रोटेक्शन बाय ए बॉर्डर लाइन ऑफ थॉर्नी बुशेस एंड ब्रांचलेट्स अर्थात बाढ़ की तरह है। अब यह प्रश्न उठता है कि निगम बोध शिक्षा नामक महाग्रंथ के प्रतिपाद्य का ब्रह्म विज्ञान के साथ क्या संबंध है। उक्त महाग्रंथ से संबंधित पांच ग्रंथों में से केवल पथ्यास्वस्ति नामक ग्रंथ प्रकाशित है और उपलब्ध है। वह संस्कृत व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथ है। पंडित ओझा जी ने पथ्यास्वस्ति में कहा है कि परब्रह्म की प्राप्ति के इच्छुक को शब्द ब्रह्म विद्या का परिशीलन करना चाहिए। अल्प आयास से साध्य व शब्द विद्या महान आयास से साध्य पर विद्या के अधिगम के लिए उपयुक्त होती है। श्रुति ने कहा है द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम से यत् शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द सृष्टि के ज्ञान से उससे सादृश्य के कारण अर्थ सृष्टि ज्ञान भी सिद्ध हो जाता है। जैसे पर विद्या में अव्यय अक्षर तथा अक्षर इस प्रकार त्रिविध प्राण ब्रह्म है, उस प्रकार इस अपरा विद्या शब्द विद्या में भी स्फोट अक्षर और वर्ण इस प्रकार त्रिविध वाक् ब्रह्म है। शब्द विद्या में वर्णों अक्षरों पदों समस्त पदों और वाक्यों का एकत्व बुद्धि का प्रयोजक स्फोट अव्यय है और अव्यय पुरुष की तरह उन अक्षरादि का आलंबन होता है। शब्द विद्या में नित्य संबद्ध स्वरात्मक वर्ण अ ई उ ऋ ॠ पंचाक्षर कहलाते हैं। इन्हीं पांच अक्षरों से क्षरात्मक व्यंजन वर्ण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार अक्षरों से उपगृहित क्षर अक्षरों के आलंबन अव्यय में प्रतिष्ठित रहते हैं, उसी प्रकार स्वरूप अक्षरों से उपगृहित व्यंजन रूप क्षर अक्षरालंबन स्फोट रूप अव्यय में प्रतिष्ठित रहते हैं। परतंत्र क्षरात्मक व्यंजन अक्षरात्मक स्वर के आश्रित रहते हैं और अक्षरात्मक स्वर समूह अव्यात्मक स्फोट से संबद्ध होता हुआ अपना स्वरूप धारण करता है। ये व्यंजन स्वर और स्फोट तीनों एक ही भूत एक वाक् तत्व हैं। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का त्रिपुरुषवाद शब्द विद्या में ब्रह्म विद्या का त्रिपुरुषवाद शब्द विद्या में भी उत्पन्न होता है।
अतः शब्द विद्या ब्रह्म विज्ञान में सुसमन्वित है। अब यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत साइंस प्रदीप नामक महाग्रंथ के ग्रंथ पंचक में प्रतिपादित पाश्चात्य विज्ञान का ब्रह्म विज्ञान में समन्वय कैसे होता है। इसका समाधान यह है कि पाश्चात्य विज्ञान चेतन तत्व के अधिष्ठातृत्व के बिना ही भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति मानता है। ब्रह्म विज्ञान के अनुसार चेतन अव्यय और अक्षर से उपगृहित आत्मसर से संपूर्ण भूत भौतिक प्रपंच की सृष्टि होती है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों का यह भ्रम है कि भारतीय महर्षियों ने भूत भौतिक विज्ञान का प्रतिपादन ही नहीं किया है। वास्तव में वेद शास्त्र में भूत विज्ञान के भी संकेत सूत्र हैं। पंडित ओझा जी ने पंचभूत समीक्षा नामक ग्रंथ में पृथ्वी आदि पंचभूतों का वैदिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक विवेचन किया है। भारतीय भूत विज्ञान बल तत्व के तीन प्रमुख विवृतों के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। ये तीन विवृत हैं स्थिर धर्म प्रयोजक बल, अस्थिर धर्म प्रयोजक बल और सविपेक्ष धर्म प्रयोजक बल। इन तीन बलों के कुल मिलाकर 21 अवांतर बल हैं। उन 21 अवांतर बलों के भी आगे अनेक अवांतर बल विवर्त हैं। दुर्भाग्य से साइंस प्रदीप महाग्रंथ का वस्तु समीक्षा नामक एक ही ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। पंडित ओझा जी ने उसमें ताप हीट विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और प्रकाश लाइट का वैदिक दृष्टि से वैज्ञानिक विवेचन किया है। उन्होंने साइंस प्रदीप के ग्रंथों में पाश्चात्य वैज्ञानिकों की भ्रांत धारणाओं का वैदिक दृष्टि से खंडन किया है। इसलिए ब्रह्म विज्ञान विषय विभाग के अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान का पूर्व पक्ष के रूप में तुलनात्मक और समीक्षात्मक विवेचन सर्वथा उपयुक्त है। पंडित ओझा जी ने सर्वम वेदा प्रसिद्ध्यति इस उक्ति को सार्थक सिद्ध कर दिया है। आशा है इस विवेचन से वैदिक विज्ञान के जिज्ञासु प्रबुद्ध श्रोताओं तथा पाठकों को पंडित ओझा जी द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विज्ञान के प्रातिशिक कैरेक्टरिस्टिक स्वरूप के स्पष्टीकरण के बिना पंडित ओझा जी के ब्रह्म विज्ञान विषय मौलिक अवदान की चर्चा सार्थक नहीं होती। अस्तु, पंडित ओझा जी द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म सिद्धांतवाद स्वरूप ब्रह्म विज्ञान ही वैदिक दर्शन है। उन्होंने शारीरिक विमर्श में कहा है कि सृष्टि विद्यात्व दार्शनिकता का प्रयोजक है। उनके अनुसार ये कहा जा सकता है ए फिलोसॉफी नॉट डीलिंग विद कॉस्मोगोनिक्स प्रोमिनेंटली इज नो फिलोसॉफी। कॉस्मोगोनिक डिस्कशन फॉर्म्स द वेरी बेसिस फॉर ए फिलोसॉफी टू बी कॉल्ड फिलोसॉफी। जो सृष्टि विद्या का प्रधानतया प्रतिपादन नहीं करते हैं वे पंडित ओझा जी के अनुसार एक दैशिक दार्शनिकाभास स्यूडो फिलोसोफर्स हैं। वेद को विश्व विज्ञान कॉस्मोलॉजी मानते हैं और विश्व विज्ञान में सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगोनिक्स प्रमुख रूप से प्रतिपादित है। पंडित ओझा जी का ब्रह्म विज्ञान विषय सर्वप्रथम मौलिक अवदान यह है कि उन्होंने ही प्रातिप अंतर्दृष्टि इंट्यूटिव इंसाइट से ऋग्वेद के नास्ति सूक्त के ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी रजोनो व्योमा परोयत किमा वरीय कोकस्य शर्मन नंभ किमासीद गहनम गभीरम न मृत्यु रासी अमृतम न तरी न रात्या अन्न आसी प्रकेत अर्वा देवा अस्य विसर्जने नाथ को वेद यत आप भूव। इन दो मंत्रों में प्राप्त नाम मात्रिक संकेत नॉमिनल इंडिकेशन के आधार पर पुरातन साध्य देवों द्वारा माने गए सदसदवाद रजोवाद व्योमवाद अपरवाद आवरणवाद अम्भोवाद अमृत मृत्युवाद इन दो मंत्रों में प्राप्त नाम मात्रिक संकेत नॉमिनल इंडिकेशन के आधार पर पुरातन साध्य देवों द्वारा माने गए सदसदवाद रजोवाद व्योमवाद अपरवाद आवरणवाद अम्भोवाद अमृत मृत्युवाद अहोरात्रवाद देववाद तथा संशयवाद इन 10 सृष्टि कारणता वादों की संपूर्ण विश्व में इदम प्रथमतया परिकल्पना की और ऋग्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में इन वादों के प्रतिपादन से संबंधित उद्धरणों का संग्रह कर उनके आधार पर संस्कृत में पद्यात्मक 10 वाद ग्रंथों की रचना की। ये वाद न अथवा नो अथवा किम शब्द द्वारा निषिद्ध होने से पूर्वपक्ष भूत है। इन 10 वाद ग्रंथों का वेद विज्ञान के विद्यार्थियों तथा जिज्ञासु पाठकों को अवश्य अध्ययन करना चाहिए।
जयनान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ की ग्रंथमाला के अंतर्गत वेद विज्ञान रहस्य पंडित आनंद शर्मा जी द्वारा हिंदी में लिखित अनुवाद तथा समालोचना टिप्पणी भाग के साथ अपरवाद व्योमवाद आवरणवाद तथा अंबोवाद का मेरे निदेशकत्व काल में ही प्रकाशन कर दिया गया था। शोध प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी में अनुवाद से संबलित दशवाद रहस्यम का भी प्रकाशन कर दिया गया है। दार्शनिकों को भारतीय दर्शन के इतिहास के प्रारंभ में इन 10 सृष्टि कारणतावादों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि ये वाद प्रसिद्ध षड्दर्शनी के उद्भव से पहले ही प्रचलित हो गए थे। पंडित ओझा जी का ब्रह्म विज्ञान विषय यह मौलिक अवदान भी माननीय है कि उन्होंने ही षोडश कलो वै पुरुषा इस श्रुति के अनुसार इदम प्रथमतया सृष्टि प्रक्रिया की उत्पत्ति के लिए षोडश कल अथवा षोडशी पुरुष के वेद सम्मत संप्रत्यय कंसेप्शन का सिद्धांतवाद के प्रतिपादक ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्म समन्वय शारीरिक विमर्श विज्ञान विद्युत तथा गीता विज्ञान भाष्य में सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा विस्तृत निरूपण किया है। यह आश्चर्य का विषय है कि पंडित ओझा जी के ग्रंथों की प्रकाशित सूचियों में सिद्धांतवाद के उत्कृष्टतम ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और शारीरिक विमर्श का नामोल्लेख नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन की उपेक्षा और गीता में संकेतित त्रिपुरुषवाद ट्रिनिटेरियन डॉक्ट्रिन ऑफ पुरुष के यथार्थ स्वरूप को न समझ सकने के कारण किसी भी प्रस्थानत्रयी भाष्यकार तथा दार्शनिक आचार्य ने षोडशी पुरुष और अव्यय अक्षर तथा अक्षर की समष्टि के रूप में त्रिपुरुष का नाम मात्रिक संकेत भी नहीं किया है, उनका विवेचन तो दूर की बात है। यह उल्लेखनीय है कि चतुष्टयम् वा इदम् सर्वम् इस कौशीतक श्रुति के अनुसार षोडशी पुरुष चतुष्पाद ब्रह्म के मूल विभाग में समाविष्ट है। इसीलिए पंडित ओझा जी ने विज्ञान विद्युत नामक ग्रंथ के प्रारंभ में चतुष्पाद ब्रह्म का उल्लेख किया है। पुरम पुरुषः परात्परः निर्विशेषः, उन्होंने ब्रह्म सूत्र के शारीरिक विज्ञानम नामक भाष्य में भी चतुष्पाद ब्रह्म का उल्लेख किया है। निर्विशेषः परात्परः प्रजापतिश्चेति अथैष प्रजापतिरात्मा तच्छरीर विग्रह, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ में ब्रह्म तथा भी दोनों धातुओं से उत्पन्न ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हृदय पद्यों में इस प्रकार की है। विश्वस्य तुलसी यदस्ति मूलम तस्यैव चैकस्य बृंगणेन पश्यामि विश्वम तथैव मूलम तद्ब्रह्म शब्देन सदा वदामि खवद् विभुत्वान् तथा परम बृहत् नान्यत्र सर्वं प्रसेत् बृंगणम बृहत् सदा यत् परिबृंगणश्च च यत् तदुच्यते ब्रह्म जगदन्यतो अभवत् सर्वं ब्रजम यत् विभर्ति वा समम सर्वं यतो वा ब्रियते बहिर्नहि तद्ब्रह्म सर्वस्य सर्वस्य हितस्य चक्षते बुधा विपर्यसितु भ्रमणो हरौ। हरौ से अर्थ याम हरि से उनका अर्थ वाक्यपति से है, भर्तृहरि का वाक्यपति। इस बृंगण शक्ति और समस्त जगत के भरण पोषण के कारण ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है। भौतिक उपादान कारणों मेटीरियल कॉजेस से ब्रह्म का बृंगण स्वभाव के कारण वैशिष्ट है। पंडित ओझा जी शारीरिक विमर्श में यह भेद स्पष्ट करते हैं। विकृत बीज से अंकुर की उत्पत्ति देखी जाती है, जहां अविकृत ही बीज कारण से उत्पत्ति होती है वह बृंगण है। यह बृंगण जिसमें उत्पन्न होता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म से विश्व की उत्पत्ति होने पर भी यह ब्रह्म स्वरूप से विकृत नहीं होता है, इस कारण से इस अपूर्व रूप वाले प्रादुर्भाव की बृंगण संज्ञा की जाती है। शारीरिक विमर्श में निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, परम भूमा परम अणिमा विशुद्ध एक रस मात्र अमृत भाव रस धर्म अनंत मृत्यु बलों से उत्पन्न होने पर भी उनसे अनुपहित अनकंडीशनड होता हुआ केवल निर्विशेष आत्मा है, जो समस्त बलों से विशिष्ट रस आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वधर्मोपन्न है वह परात्पर है। इन दोनों का संक्षिप्त लक्षण इस प्रकार है, विशुद्ध रस मात्रो सीमो निर्विशेष इत्युच्यते सर्वविधानंद बलोपेतो सीमा परात्पर इत्युच्यते। विज्ञान विद्युत में यह भी संकेत कर दिया गया है कि चतुष्पाद ब्रह्मणः पुरम पुरुषश्चेति द्वावेव पादो जगदुच्यते,
तत्र ही संसारो भवति संसारान निस्तारे तु अपरो दो पादौ परापर निर्विशेष रूपो विश्वस्माद् बहिर्भूतो प्रत्येतव्यो। अव्यय पुरुष का स्वरूप बतलाते हुए पंडित ओझा जी ने कहा है, बलों की अनंता में भी जो एक माया नामक बल समस्त अन्य बलों की अपेक्षा से अधिक विशाल होता है, उससे परिचिन जो रस है वह दूसरे रस परापर से पृथक रूप से भावित ही अव्यय पुरुष कहा जाता है। ब्रह्म समन्वय नामक सिद्धांतवाद ग्रंथ में अव्यय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है, माया मात्र बलोपेत रसो माया मितोस्ति यः सोऽव्ययः पुरुषो मायी न तत्र बलबंधनम् बलानाम् हि बलेर्यत्र मितः संसार बंधनम् किन्तु नोदेति हृद्ग्रंथि बंध सोऽव्यय पुरुषः। पंडित ओझा जी उक्त ग्रंथ में अव्यय पुरुष के 20 पंडित ओझा जी ने उक्त ग्रंथ में अव्यय पुरुष के 20 नाम भेदों का भी परिगणन किया है। ब्रह्म समन्वय ग्रंथ में ही अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, बलानाम बलेर योगे यत्र न ग्रंथि बंधनम तत्र यह पुरुषो यज्ञे सकूटस्थो अक्षरो मतः नास्त्यत्र बल हृदय ग्रंथि तस्मान नक्षरति क्वचित तेनायम अक्षरो नाम। अक्षर पुरुष की 5 कलाओं के कारण वह 5 रूप है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि और सोम। परिधि के भीतर के तत्व को बाहर फेंकने वाली शक्ति का नाम इंद्र है, और बाहर फेंकने से जो स्थान रिक्त हो गया उसकी पूर्ति के लिए बाहर से तत्व लेकर पालन कर देने वाली शक्ति का नाम विष्णु है। इस प्रकार आवागमन होते रहने पर भी वस्तु की एक रूप से दिखने वाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम ब्रह्मा है। प्रतिष्ठा रखने के कारण यही सबका उत्पादक कहलाता है। ये तीनों शक्तियां केंद्र में रहती हैं। केंद्र का नाम वैदिक परिभाषा में नाभि है। उस नाभि में रहने के कारण अक्षर की ये 3 कलाएं नभ्य अथवा हृदय कही जाती है। अब केंद्र से फेंके हुए रस का प्रतिष्ठा प्राण की सहायता से बाहर एक पृष्ठ बन जाता है। अग्नि और सोम दोनों कलाएं पृष्ठ पर रहने के कारण पृष्ठ पृष्ठ कहलाती है। हृदय अक्षर अंतर्यामी है और पृष्ठ सूत्रात्मा, जैसा कि ब्रह्म समन्वय ग्रंथ में कहा है, अंतर्यामी च सूत्रात्मा चेति भात्यक्षरम दिधा अंतर्यामी तु हृदयम सूत्रम तद बहिरादतम। लोक में भी अंतर्यामी का स्वरूप ज्ञात है, इसीलिए लोग कहते हैं हे अंतर्जामी। उभयम हेतदग्रे प्रजापति रास मर्त्यम चामृतम च तस्य प्रजापते रर्दमेव मर्त्यमासी दर्द मर्त्यमासी दर्दममृतम। इस शातपथी श्रुति के अनुसार अक्षर पुरुष अर्ध भाग से अमृत होता है और अर्ध भाग से मर्त्य, उसका अर्ध भाग ही क्षर कहलाता है। जैसा कि पंडित ओझा जी ने ब्रह्म समन्वय में कहा है, तत्रान्यः पुरुषोस्त्यार्धेन तत्रान्यः पुरुषोस्त्यार्धेन तत्रान्यः पुरुषोस्त्यार्धेनामृतम् मर्त्यमर्दतः तदक्षरम यदमृतम मर्त्यम तदक्षरम विदुः। परिणामी उपादान कारण क्षर ब्रह्म से समस्त भौतिक जगत प्रपंच उत्पन्न होता है, इसीलिए भगवद गीता में कहा है क्षर सर्वाणि भूतानि। माया बल से अवच्छिन्न पुरुष योग मायात्री के भेद से त्रिपुरुष हो जाता है, अव्यय अक्षर और क्षर। ब्रह्म माया विष्णु माया और शिव माया अर्थात इंद्र माया ये योग मायात्री है। यह त्रिपुरुष परात्पर के बिना षोडशी अथवा षोडश कल पुरुष के स्वरूप को धारण नहीं कर सकता। अव्यय पुरुष की अन्नाद विज्ञान मन प्राण और वाक ये 5 कलाएं हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि और सोम अक्षर की 5 कलाएं हैं। प्राण आपस वाक अन्न और अन्नाद ये अक्षर की 5 कलाएं हैं। इस प्रकार त्रिपुरुष पंचदश कल है, इसके साथ पंचादश कल है, इसके साथ परात्पर के योग से षोडश कल पुरुष का स्वरूप संपन्न हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए त्रिपुरुष की त्रिधा स्थिति है। अव्यय आलंबन पर ब्रह्म है, अक्षर कर्ता निमित्त कारण परम ब्रह्म है, और अक्षर उपादान कारण महद ब्रह्म है। अव्यय और अक्षर से समन्वित महद ब्रह्म से ही विश्व के जन्म स्थिति और भंग होते हैं। भूत संघ में परिणत क्षर पुरुष ही विश्व है।
षोडशी पुरुष का पंचकल सर्वभागी क्रम से विश्वश्रेष्ठ अर्थात विकारक्षर, पंचजन अर्थात पंचीकृत विकारक्षर, पुरंजन तथा पुर अर्थात भूत समूह के रूपों से परिणत होता हुआ विश्व स्वरूप से व्यवस्थित है। आनंद विज्ञान मनोमय अव्यय पुरुष मुक्ति साक्षी है और मन प्राणम वांग्मय अव्यय पुरुष सृष्टि साक्षी है। मुक्ति और सृष्टि दोनों में ही मन है, इसीलिए यह कहा जाता है मन एव का मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विकार समूहों के तीन विभाग हैं, औपचारिक, औपसर्गिक और औपजनिक। षोडश कलम वा इदं सर्वम इस श्रुति वाक्य के अनुसार पंडित ओझा जी ने तो यह भी कहा है कि यथा अंडे तथा पिंडे इस सिद्धांत के कारण जीव को षोडश कल मानने में बाधा नहीं है। इस प्रकार पंडित ओझा जी ने सिद्धांतवाद संबंधी ग्रंथों में त्रिपुरुषवाद और षोडशी पुरुष के संप्रत्यय का सूक्ष्माति सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है, जो अन्यत्र किसी भी दर्शन शास्त्रीय ग्रंथ में नहीं मिलता है। समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी का ब्रह्म विज्ञान विषय यह अवदान भी माननीय है कि उन्होंने ही इदम प्रथमतया प्रातिभ अंतर्दृष्टि से गीता की द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतो अक्षराद् विचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस श्लोकत्रयी के अनुसार गीता में त्रिपुरुषवाद के अभिमत होने का संकेत प्राप्त किया और सिद्धांतवाद के ग्रंथों से अतिरिक्त गीता विज्ञान भाष्य का तृतीय कांड उसके इसके प्रतिपादन से परिपूरित है, रिप्लीट है। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने गीता विज्ञान भाष्य में श्रौत षोडश कल के पुरुष के संप्रत्ति की उत्पत्ति के लिए परात्पर का भी विवेचन कर दिया है। पंडित ओझा जी ने गीता के त्रिपुरुषवाद में अव्यय परमत्व के कारण गीता को समस्त दर्शन शास्त्रों में मूर्धन्य मानते हुए कहा है कि वह उनकी न्यूनता की पूरक है। वे गीता को दर्शन शास्त्र न मानकर विचार शास्त्र की कोटि में रखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि निर्विशेषाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर ने तो निर्विशेषाद्वैतवाद और मायावाद की संरक्षा के उद्देश्य से है कि निर्विशेषाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर ने तो निर्विशेषाद्वैतवाद और मायावाद के संरक्षा के उद्देश्य से इस श्लोकत्रयी के भूमिका भाष्य में क्षर और अक्षर को उपाधियां मानते हुए कहा है कि यहाँ निरुपाधिक अनकंडीशनड केवल अर्थात निर्विशेष का निर्धारण किया गया है। उन्होंने अक्षर को माया शक्ति कह दिया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि गीता की आधारभूत उपनिषदों में अक्षर तत्व माया के रूप में वर्णित नहीं है। अक्षर एक चेतन तत्व है और चेतन तत्व माया नहीं हो सकता। आचार्य शंकर ने एक संस्कृत वैयाकरण की तरह क्षरति क्षरः और न क्षरति अक्षरः इस प्रकार क्षर और अक्षर का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ कर दिया है। जब अक्षर क्षरणशील नहीं है तो वो माया कैसे हुआ। उन्होंने उत्तम पुरुष अव्यय को क्षर और अक्षर रूप उपाधि द्वय से अस्पृष्ट नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला बतला दिया है, अर्थात वह निर्विशेष ब्रह्म है और निर्विशेष ब्रह्म से माया उपाधि के बिना भूत सृष्टि नहीं हो सकती है। वस्तुतः अव्यय पुरुष तो माया बल विशिष्ट पंचकल पुरुष सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर है, जैसा कि पंडित ओझा जी ने कहा है, अस्या मृतस्या मितस्य मिति साध्येन मृत्युना तन्माया बल नेतेनावच्छिन्नः पुरुषोऽव्ययः महामायामयं रूप मीश्वरं प्रावरव्यम् अस्तु अलमतिविस्तरेण। पंडित ओझा जी ने रसो वैसः तथा रसं ह्येव लब्धा आनंदी भवति इन श्रुति वाक्यों के अनुसार ब्रह्म शब्द की अपेक्षा रस शब्द का अधिक प्रयोग किया है। समीक्षा चक्रवर्ती ओझा जी का ब्रह्म विज्ञान विषय के मौलिक अवदान भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्वेताश्वर श्रुति तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार बलतत्व की इदं प्रथमतया परिकल्पना की।
उन्होंने ब्रह्म समय नामक ग्रंथ में 16 बल कोशों का विवेचन किया है। मैं यहाँ उन 16 बल कोशों की परिगणना कर देता हूँ। विद्या बल, माया बल, जाया बल, धारा बल, आपो बल, हृदय बल, भूति बल, यज्ञ बल, सूत्र बल, सत्य बल, यक्ष बल, अभ बल, मोह बल, वयुन बल, वयोनाद बल, वयो बल। यद्यपि 15 ही बल सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित हैं, तथापि मुख्य बल माया बल है। हम इनको अंग्रेजी में सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं। विद्या बल तो 15 अविद्या बलों का निवारक है। अविद्या बलों के साथ विद्या बल का प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है। ये बल कोश ज्ञान शीत की तरह शुद्ध आत्मा का आवरण करते हैं, अतः बलकोश कहे जाते हैं। रस ब्रह्म और बल मृत्यु नामक दो तत्व होने पर भी अद्वैत की हानि नहीं होती है, क्योंकि पारमार्थिक सत्ता एक है। बल तो रस सत्ता सत्ताक है, रस की सत्ता से सत्ता वाले हैं। इसीलिए पंडित ओझा जी ने कहा है, ब्रह्म श्रुतो तत् रस इतिदीरितम परास शक्तिर बलमित्युदीर्यते बलम रसा भिन्न विदम न गण्यते न श्रौत मद्वैत मसो विरुध्यते। बल तत्व के भेदों, परस्पर संबंधों तथा रस के साथ 18 प्रकार के एकनिष्ठ संबंधों के विषय में पृथक व्याख्यान दिए जा सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि जो लौकिक संयोग आदि संबंध होते हैं वे उभयनिष्ठ होते हैं, जैसे घट और पट का संयोग घट और पट दोनों में रहता है, परंतु बलों का जो ब्रह्म के साथ संबंध है वो केवल बलों में रहता है, एक निष्ठ है। इस वक्तव्य में बल कोशों का नामोल्लेख ही संभव है। बल तत्व का संप्रत्यय पंडित ओझा जी द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसीलिए वे महर्षि वैज्ञानिक सीयर साइंटिस्ट हैं। जो जिज्ञासु प्रबुद्ध श्रोता पाठक बल तत्व के विषय में हिंदी में जानना चाहते हैं, उन्हें पंडित मोतीलाल शास्त्री द्वारा रचित उपनिषद विज्ञान भाष्य भूमिका के तृतीय खंड तथा हिंदी अनुवाद सहित संशय तदुच्छेदवाद नाम ग्रंथ का यथास्थान अध्ययन करना चाहिए। समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी का ब्रह्म विज्ञान विषय यह अवदान भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही पुराणों के आधार पर उपाधि भेद से 18 व्यावहारिक आत्मभेदों का इदम प्रथमतया निरूपण किया है। जिज्ञासु श्रोताओं तथा पाठकों को उन भेदों के परिज्ञान के लिए स्वामी श्री सुरजनदास जी द्वारा हिंदी में रचित पुराण रहस्य का अध्ययन करना चाहिए। समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी का यह अवदान भी महनीय है कि उन्होंने ही वेद संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म समन्वय नामक ग्रंथ में 14 इंद्रों का निरूपण किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं, सत्य इंद्र, श्वा इंद्र, विद्युत इंद्र, उत्साह इंद्र, प्राज्ञ इंद्र, प्रज्ञा प्राण इंद्र, प्राण इंद्र, आयुरिंद्र, बल इंद्र, वाग इंद्र, आत्मा इंद्र, आकाश इंद्र, रूप इंद्र, ज्योति इंद्र और गति इंद्र। उपाधि भेद से इन चतुर्दश इंद्रों के निरूपण के पश्चात मत विकल्प प्रस्तुत करते हुए पंडित ओझा जी ने कहा है, अथवा ये पृथक पृथक इंद्र महिमा है और पारमार्थिक रूप से एक ही इंद्र नामक अक्षर है जो ब्रह्मा नामक अक्षर द्वारा धारण किया हुआ है। इन इंद्र भेदों में श्वा नामक इंद्र के निरूपण में पंडित ओझा जी ने वैज्ञानिक रहस्य बतलाया है, जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों के लिए नेत्रोन्मीलनकारी आई ओपनर है। श्वा इंद्र को सुन भी कहते हैं और सुने हितम इस व्युत्पत्ति से शून्य शब्द बनता है, इसलिए शून्य का अर्थ रिक्त, वॉइड अथवा वैक्यूम नहीं है। सुन नामक इंद्र से परिव्याप्त होने के कारण आकाश शून्य है। पंडित ओझा जी कहते हैं, अद्यत्वे लोक भाषायाम स ईथर इति स्तुतः स इंद्र ईथर श्वेत कथ्यते सुन इत्यपि। सुन नामक इंद्र ही आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान का ईथर है। पंडित ओझा जी गीता विज्ञान भाष्य में कहते हैं,
कि ये इंद्र सर्वाकाश परिव्यापी है और ये इंद्र शब्द का विकार है। पंडित ओझा जी ने पंचभूत समीक्षा नाम ग्रंथ में आकाश के निरूपण में कहा है, तत्र तावदेयम आकाशो नैकांततः शून्यता मात्रम अनुपाक्य रूपाया शून्यताया वैज्ञानिक नये अनुपेयत्वा यस्तावदेयम शून्य रूपो अवकाश प्रतिपद्यते स्वयं अत्यनिष्ठ कश्चन रूपदार्थ रूपो रूपो गम्यते यम तावत् भारतीय वैज्ञानिका श्वानम नामेन्द्र आचक्षते पाश्चात्याश्चेन ईथर नामना अभ्युपगच्छन्ति तस्यैव तु कंपन विशेषा शब्दादय कतिपय भावा प्रत्यक्षी क्रियन्ते तमेतमेव अनंतम अव्यावृतम विश्वव्यापकम अर्थम भारतीयाः महाकाशम आचक्षते स इंद्रो नामयम आत्मा सर्वेषां भूतजातानां तस्माद्वा एतस्माद् आत्मा आत्मना आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्य पृथ्वी इति विद्या। प्रसंगवशात यह उल्लेखनीय है कि एमपिल संस्कृत की एक छात्रा ने मेरे निर्देश में पंचभूत समीक्षा पर लघुशोध प्रबंध का लेखन संपन्न किया था। अस्तु, विस्तार भय और समय सीमा के कारण मैं पंडित ओझा जी के महतोमहीयान अवदान के विषय में इतनी ही चर्चा करता हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने गत मास में 20वीं शताब्दी के विश्व विस्तृत भारतीय दार्शनिक प्रवर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बायोग्राफी जीवन चरित पढ़ी, तब मुझे उनके दार्शनिक जीवन की चार ऐसी विशेषताएं ज्ञात हुई जो 20वीं शताब्दी के विश्व विस्तृत सर्वज्ञ कल वेद वैज्ञानिक पंडित ओझा जी के जीवन में भी थी। मैं उन विशेषताओं से संबंधित चार उद्धरण बायोग्राफी से प्रस्तुत करता हूँ। पहली विशेषता, ओवर हिज स्टूडेंट्स ही एक्सरसाइज नो फॉरबिडिंग अथॉरिटी ट्राई टू बिल्ड अप नो स्कूल एंड एनकरेज देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड ओवर विद हिम वाज मोर देन ए लेक्चर ऑन ए फिलोसॉफिकल टॉपिक। दूसरी विशेषता, एंड ही वाज क्लियरली अनहैप्पी ऑन एनी डे ऑन विच ही हैड नॉट अकम्प्लिश्ड ए सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग। तीसरी विशेषता, ही हैड ए पर्सनल सेंस ऑफ प्रोविडेंस एंड विद अ सर्टेनिटी दैट हिज लाइफ वाज ए केयरफुली प्लान्ड स्क्रिप्ट रिटन बाय ए पावर अबव। चौथी विशेषता, द सेंस ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय द डिवाइन प्रेजेंस गेव राधाकृष्णन एन अनट्रबल्ड सेंस ऑफ होलनेस दिस बिलीव इन गॉड Masked with him, with a belief in himself, and he was confident from his earliest years that he was singled out for great achievement. यह कोई संयोग है कि दोनों विभूतियों के जीवन में विशेषताओं की चतुष्टयी समान थी। स्वतंत्र प्रज्ञ पंडित ओझा जी का पूर्वग्रह युक्त मतवाद रूपी कोई संप्रदाय नहीं था। वस्तुतः प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार आचार्यों के पूर्व विचारित मतों प्रीकंसीव्ड ओपिनियंस के कारण आधुनिक युग में संप्रदाय शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। पूर्व मध्यकालीन नैयायिक प्रवर उद्योतकराचार्य ने संप्रदाय की परिभाषा देते हुए कहा है, शिष्य आचार्य संबंध पूर्वकम अनवच्छेदेन विद्या प्राप्ति ही संप्रदाय। पंडित ओझा जी का शिष्य के रूप में सर्वतंत्र स्वतंत्र गुरु से काशी में विद्या प्राप्ति रूपी संप्रदाय तो था ही। उन्होंने सन 1892 में वेद विज्ञान विषय ग्रंथ लेखन प्रारंभ किया था और सन 1939 में देहावसान से पूर्व रुग्णावस्था के 3 दिन पहले तक वे गीता विज्ञान भाष्य के चतुर्थ कांड के प्रारंभिक भाग का लेखन कर रहे थे। लगभग 47 वर्षों तक उन्होंने निरंतर ग्रंथ लेखन किया। वे ईश्वरीय विधान प्रोविडेंस में पूर्ण आस्था रखते थे और ये अनुभव करते थे कि उनका जीवन सर्वोच्च शक्ति द्वारा लिखित एक सावधानतया नियोजित स्क्रिप्ट था। वे दिव्य शक्ति की उपस्थिति से परिव्याप्त सराउंडेड होने की अनुभूति करते थे। वे जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही
विश्वस्त थे कि ईश्वर द्वारा वेद विज्ञान के आविष्करण रूपी महान उपलब्धि ग्रेट अचीवमेंट के लिए चुने गए थे। पंडित ओझा जी के सानिध्य में विद्यार्थी का एक घंटा वेद विज्ञान विषय एक विषय बिंदु टॉपिक पर एक व्याख्यान से अधिक होता था। अस्तु, मैं यही अपने वक्तव्य का विराम करता हूँ। जिता समुद्रा गुरुर्मदीय रत्नम दशैरलभ्यम, अर्थात देवों द्वारा अलभ्य वेद विज्ञान रूपी रत्न प्रदान करते हुए मेरे गुरुजनों द्वारा रत्नाकर समुद्र भी जीत लिया। वेद विज्ञान के मनीषी, विश्व में वेद विज्ञान का ध्वज फहराने वाले समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा के विभिन्न आयामों पर जो व्याख्यान माला आयोजित की गई, उसमें एक व्याख्यान था डॉक्टर गणेशी लाल जी सुथार का। गणेशी लाल सुथार जोधपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं और वहाँ पर जो ओझा जी का वेद विज्ञान शोध पीठ है उसका काम उन्होंने देखा और अनेक ग्रंथ उन्होंने निकाले। उनके ग्रंथ और उनके किए हुए ग्रंथों के अनुवाद बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका भाषण इस विषय पर रखा गया, पंडित मधुसूदन ओझा जी का ब्रह्म विज्ञान विषयक मौलिक अवधान। तो उनका ब्रह्म विज्ञान बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने भी संपादित किया, उसका अनुवाद हुआ और बाहर अनेक विद्वान बनारस के उस ग्रंथ के आधार पर मधुसूदन ओझा जी के विज्ञान से परिचित हुए। और ये सौभाग्य की बात रही कि चूड़ांत विद्वान जो काशी के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने जो ही मधुसूदन ओझा जी की नई अवधारणाओं को देखा, उनके नए आविष्कारों को देखा, तो वो अत्यंत भक्त हो गए उनके और उन्होंने भी उनके ब्रह्म विज्ञान पर वेद विज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे, हिंदी में उनका अनुवाद किया। तो मधुसूदन ओझा जी का ये जो ब्रह्म विज्ञान है, इस विषय पर डॉक्टर गणेशी लाल सुथार जी का भाषण आयोजित हुआ जिसमें इनके अनेक आयामों को स्पष्ट किया गया। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि ओझा जी के विभिन्न अवदानों का स्मरण किया जाए, उनमें से एक ये अवदान है। इनके अनेक आयामों पर चर्चाएं हुई हैं, भाषण हुए हैं, तो इन सब के लिए हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं विश्व गुरुदीप आश्रम के शोध संस्थान को और जितने भी आयोजक हैं, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, अन्य विद्वान हैं जो इस आयोजन में सहायक रहे, वे सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा उपक्रम है, एक ऐसा प्रारंभ है जो प्रतिवर्ष चलते रहना चाहिए, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।